तो आप सभी का स्वागत है एक ब्रांड न्यू वीडियो में। आज हम खेलने वाले वुड यू रैदर। ये ऐसा गेम है कि हमें दो ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें से हम लोगों को एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है और दूसरा ऑप्शन को इग्नोर करना है। मतलब अपने ऊपर डिपेंड है कौन सा ऑप्शन, उसमें से एक ऑप्शन सही रहेगा और एक ऑप्शन गलत रहेगा, वो आपकी मेंटेलिटी पे डिपेंड है। मत तरीके से कर देते गेम शुरू। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, वुड यू रैदर प्रिवेंट वर्ल्ड वॉर टू, ओ भाई साहब, और सेकेंड वाला है, और दूसरा ऑप्शन है विन अ लाइफ चेंजिंग अमाउंट ऑफ मनी इन अ लॉटरी। तो अभी देखो, मैं ग्रीडी नहीं हूँ, पहली बात ग्रीडी मतलब मैं पैसे का हवरा नहीं हूँ, तो मैं सेकेंड ऑप्शन तो नहीं है मेरे पास, और मेरे ख्याल से पैसे से ज्यादा तो मैं प्रायोरिटी दूंगा जिंदगी बचाना। तो देखते हैं और कितने लोग हमारे मतलब इस ये पहले वाले ऑप्शन से सहमत है। देखते हम लोग मैं जा रहा हूँ पहले ऑप्शन के साथ, प्रिवेंट वर्ल्ड वॉर टू। और ये देखो भाई साहब, लोग देखो 65% लोग ग्रीडी है, मतलब पैसे के हवरे लोग है सब। मतलब देखो भाइयों, कोई मतलब जिंदगी बचाना नहीं चाहता लोगों की, बस पैसा कमाना चाहता है, वो भी फोकट वाला पैसा, इन लॉटरी वाला। तो भाई साहब चलो भाई कुछ नहीं, 35% लोग तो है मतलब दुनिया में अच्छे वाले लोग 35%। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वुड यू रैदर मीट योर फ्यूचर सेल्फ और मीट योर फ्यूचर किड। ओ भाई साहब ये देखो मतलब ये क्वेश्चन भी जरा सा ट्रिकी है। मतलब अगर देखो आप अपने फ्यूचर मतलब जो आप फ्यूचर में हो उसे मिलना चाहते हो, या अपने फ्यूचर वाले बेटे से मिलना चाहते हो, बेटा बेटी जो भी है, सन मतलब जो रहेगा वो। पर ये देखो फर्स्ट वाला लेके कुछ फायदा नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि फ्यूचर वाला खुद को जाके मिलके हाँ फायदा है रे, मतलब वहां पे जाके पूछ सकते हो मैं क्या गलती किया हूँ इन पास, तो वो हम सुधार सकते हैं वापिस आने के बाद अपने टाइम लाइफ में। और अगर फ्यूचर वाले मतलब बेटे को मिले हुए वो बेटी बेटा जो भी है उसको पूछ भी सकते हो कि मेरा पप्पा मतलब तेरा पप्पा मेरा पप्पा क्या बोल रहा हूँ तेरे पप्पा ने क्या क्या गलतियाँ की थी, तो हम उसे पूछ के मतलब अपने फ्यूचर मतलब पास वाले सब गलतियाँ भी पूछ सकते हैं और अपने फ्यूचर वाले लड़के से भी मिल सकते हैं। तो एक तरीके से सेकेंड वाला ऑप्शन में दोनों का आंसर मिल रहा है, तो लेट्स गो फॉर सेकेंड वन, मेरे ख्याल से यही राइट होगा ना। अरे बाप रे, सो खुद पे चले जा रहे हो भाई बंदे खुद से मिलने के लिए फ्यूचर में। अरे ये एक तरीके से ये भी राइट था रे, छोड़ो लो कर लो बात। वुड यू रैदर वेकेशन इन न्यूयॉर्क सिटी और वेकेशन इन टोक्यो। ओके, तो मैं तो जाऊंगा न्यूयॉर्क क्योंकि मुझे जाना है कभी जिंदगी में। टोक्यो नहीं, 52% मेरे साथ सहमत है दोस्तों। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, वुड यू रैदर स्टील एन एल्डर वुमन्स पर्स। ओ बाप रे, एल्डरली वुमन्स पर्स, ओके, टेल 10 ऑर्फन दैट क्रिसमस इज कैंसल्ड। ओ भाई साहब, फर्स्ट क्या है मतलब ऐसे बहुत ज्यादा एज वाली मतलब आंटी बैठी है वहाँ पे, उनका जाके मैं पर्स उठाऊ और भाग जाऊ। और दूसरा वाला ऑप्शन है ऑर्फन्स मतलब जो लोग रहते हैं जिनके मम्मी पापा ये लोग नहीं रहते, उनको बस क्रिसमस में और ना हॉलीडेज पे गिफ्ट मिलते हैं, तो उनको 10 ऐसे ऑर्फन्स को बोलूंगा मैं कि क्रिसमस नहीं आने वाला, मतलब एक तरीके से उनका दिल तोड़ना है 10 लोगों का। ये देखो, तो अभी चोरी करना तो नहीं चाहता, पर मैं ऐसे खराब इंसान भी नहीं हूँ कि सेकेंड ऑप्शन में चला जाऊँ। तो अभी बात हो गई यहाँ पे इज्जत की मतलब यहाँ पे मुझे ठीक से बोलने को नहीं जम रहा अभी क्या सीन है, डेंजर है क्वेश्चन। अरे तो चलो फिर, मैं चोरी नहीं करना चाहता लाइफ में, पर सेकंड वाला ऑप्शन खराब है, मतलब पर्सनैलिटी से मैच नहीं हो रहा दोनों भी मेरे, तो मैं जाऊंगा सेकंड को। ओके, ये भी लगभग 50-50 है, मतलब लोग भी मतलब अच्छे है जरा सा ऑनलाइन, मतलब जिंदगी में कुछ तो करना चाहते हैं ऐसा दिख रहा है मुझे। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन है ना, अपन कितना भी सीख ले, हम स्टूडेंट ही रहने वाले, जिंदगी में नया कुछ तो सीखना ही है अपने को, और टीचर बन गए तो भाई इतना ज्यादा तो शाना नहीं होता। मैं तो नहीं हूँ शाना कि सिखा सकूं दूसरे को सिखा सकूं, इतना तो शाना नहीं हूँ मैं, तो मैं स्टूडेंट रहूंगा जिंदगी भर। ओके, ये भी 50-50 है, लगभग 50-50 है, मतलब ये देखो
हम वापस आ चुके हैं नए क्वेश्चन पे. वुड यू रेदर आपकी जो होने वाली वाइफ या वो भी जो भी है जो दिखने में अच्छी होगी पर आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करेगी, मतलब बोलेगी ये निकलना है क्या बेटा है ये क्या काम पे जाना है भूतनी के ऐसी बोलेगी, वो बोलेगी आपको नहीं लगता पर बोलेगी वो अगर ये पहला ऑप्शन आप सिलेक्ट करोगे तो. और सेकंड वाला ऑप्शन है वो दिखने में मतलब थोड़ी अच्छी नहीं रहेगी पर वो एकदम अच्छी मतलब आपके साथ एकदम अच्छे से बोलेगी, आपके साथ एकदम अच्छे से मतलब बात भीत करेगी, मतलब एकदम अच्छी वाली लाइफ पार्टनर रहेगी. तो आप क्या चूज करो? तो मैं तो भाई अट्रैक्टिव पर्सन के पास जाने ही नहीं वाला, सेकेंड वाला ऑप्शन ही मेरे लिए एकदम मस्त है. और मेरे देखते कितने लोग हमारे लिए मतलब हमारे साथ इस ऑप्शन पे राइट होंगे. सो लेट्स सी. और 66% ये देखो इंसानियत है भाइयों, वर्ल्ड में अभी तक इंसानियत जिंदा है. नेक्स्ट वाला ऑप्शन, वुड यू रादर ओनली बी एबल टू सी द वर्ल्ड इन शेड ऑफ रेड, ओके, बेयरली हियर पीपल व्हेन दे स्पीक, ओके. ये देखो हमारे पास एकदम हार्ड वाला क्वेश्चन आ चुका है भाइयों. हम जिंदगी मतलब पूरा दुनिया देख सकते हैं पर लाल कलर में. और सेकंड ऑप्शन है मतलब जो भी बात करेगा तो हमें सुनाई नहीं देगा, ठीक है ये सीन है. तो मेरे ख्याल से लाल कलर में दुनिया देख के क्या फायदा अगर आप ही देख नहीं पा रहे जिंदगी के कलर, मेरे ख्याल से. और सेकंड ऑप्शन है मतलब बात करना, मतलब जो भी बात करेगा हमारे साथ तो उसका आवाज ठीक से नहीं आएगा मुझे. तो मैं सेकंड ऑप्शन के साथ जाऊंगा क्योंकि मुझे दुनिया देखनी है भाइयों, कलर देखने है जिंदगी में. और बंदों को भाई साफ लाल कलर में देख सकते हैं बंदे, दुनिया से बोल रहे बंदे जबरदस्त रे यार. बंदों को मिस्टर इंडिया बनना है. वुड यू रादर नेवर सी अ स्काई अगेन, ओ माय गॉड, और नेवर सी अ बॉडी ऑफ वाटर अगेन. मतलब क्या बोल रहे मालूम है क्या? आप जिंदगी में वापस आसमान नहीं देख सकते या बॉडी ऑफ वाटर नहीं देख सकते आगे, मतलब पानी नहीं देख सकते. मतलब ये देखो, तो मैं जाऊंगा सेकंड के साथ क्योंकि मुझे आसमान देखने को मजा आता है, पीसफुल लगता है मुझे ऐसा अंदर से. उसको देखने के बाद ऐसा लगता है भाई अच्छा लगता है भाई, लगता है मतलब बहुत अच्छा लगता है. तो मैं जाऊंगा सेकंड ऑप्शन के साथ. नहीं ओके, हाँ सेकंड ऑप्शन के साथ जाऊंगा तो मुझे आसमान दिखेगा. ओके लेट्स गो फॉर सेकंड ऑप्शन. ओके मेरे साथ बहुत लोग एग्री.